श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश पिछले कुछ वीडियो में मैंने यक्षिनी से वशीकरण और सुरक्षा के कई नियम ये सारे चीज़ों के विषय में आप लोगों से बातचीत की आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग सा है वशीकरण के टोटके आपको अभी तक वशीकरण के बारे में यही पता था कि कुछ मंत्र साधने से वशीकरण हो जाता है लेकिन रावण सहित संहिता में कुछ टोटके दिए हुए हैं वशीकरण के मतलब इतने नॉर्मल टोटके हैं जो कि आप और हम सभी कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा रावण संहिता के अनुसार सम्मोहन कैसे करें इससे पहले जैसे मैं हर वीडियो में अपना जो भी क्रिया हम करने वाले होते हैं उसके बारे में बताते हैं तो इस क्रिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मोहन होता क्या है सम्मोहन से पहले आपको ये समझना चाहिए कि सम्मोहन ब्रेन में नहीं माइंड में होता है ठीक है आज तक साइंस माइंड नहीं खोज पाया है क्यों नहीं खोज पाया है माइंड क्योंकि साइंस कुछ भी प्रत्यक्ष खोजता है और माइंड अप्रत्यक्ष है तो साइंस बोलता है कि आपके ब्रेन में माइंड है जिसको मेटाफिजिशियंस गलत मानते हैं या हमारे जैसे साधक गलत मानते हैं माइंड हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है जो हमारा एनर्जी सर्कल होता है आप देखोगे कि अगर आप किसी बहुत ही आ, सुन सुनसान जगह पर बैठोगे तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा लेकिन अगर आप एक खाली कमरे में बैठोगे जहाँ ओम वोम लगा हुआ रहेगा तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा कहीं आप ऐसे रूम में बैठे हो जो कि बहुत ही जो काला है और बहुत ही सैडेस्ट है तो आपका मन वहां पे चाहे कितना भी खुश हो वो वहां पे दुखी हो जाएगा और आपके दिमाग में दुखी विचार आने लगते हैं इसका कारण ये है कि माइंड और एनर्जी सर्कल हमारे आसपास होता है और जैसे भी जै, जिस तरह की जगह पे हम बैठते हैं वैसे ही वो सोचने का और वैसे ही आइडिया आपको देना शुरू करता है इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप मान के चलो अगर आप शराब नहीं पीते हो आप रोज़ शाम में जाके कर शराबियों के जमघट में बैठो पहले दिन आप खुद को रोक लोगे दूसरे दिन रोक लोगे सातवें आठवें दिन आप थोड़ा सा शुरू करोगे और फिर आप भी शराबी हो जाओ या अगर आप साधुओं के बीच में बैठना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आप भी मतलब भगवान में लीन होने लगते हो तो इसका कारण ये है कि आपका एनवायरमेंट जो है वो आपको आइडियाज़ देता है जिसको हम माइंड कहते हैं और फिर वो सोचना शुरू करता है जिसका प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन होता है ठीक है तो वशीकरण में क्या होता है ये जो आपका एन्वायरमेंट है ठीक है इस एन्वायरमेंट में एक एनर्जी सर्कल होता है एक और होता है तो जो भारतीय वशीकरण है उसमें इस एनर्जी सर्कल में आप नए एनर्जी सिग्नल्स भेजते हो या आयन्स भेजते हो जिसको आप परमाणु कह सकते हो छोटे छोटे अनु वो क्या करता है कि, कि किसी भी व्यक्ति के एनवायरनमेंट में घुस करके और उसके बाद तो जो हम चाहते हैं उस तरीके का आइडिया उनको देता है और वो उस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाता है लगभग ये वही प्रक्रिया है जो कि भूत अगर किसी से में चिपट जाए तो वो यही काम करवाता है कि उसको सैड फील करवाता है लेकिन वशीकरण में हम किसी व्यक्ति को किसी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं ठीक है अभी देखिए मैंने बोला भारतीय वशीकरण जो वेस्टर्न वर्ल्ड का वशीकरण है जिसको ये हिप्नोसिस कहते हैं वो हमारे वशीकरण से बहुत अलग होता है ठीक है हमारे वशीकरण में पूर्ण रूप से तंत्र का खेल होता है मतलब अगले का एनर्जी सिग्नेचर अगले का नाम अगले का फोटो अगले की कोई भी वस्तु सिर्फ उस पर हम उसकी एनर्जी को कहीं भी बैठ करके आ, हिला सकते हैं अगर आ, बंधन ना हो <laughs> इसीलिए मैंने शुरुआत में भी बंधन का मंत्र दिया आगे भी आपको कुछ बंधन के मंत्र दूंगा ताकि आप पे कोई भी इस तरह के प्रयोग ना कर पाए मुझे याद है ऐसे ही बंधन करके कोई एक हमारे परिचित में ही तांत्रिक थे उन्होंने किसी पे मारण चलाया और नवरात्र के आठवें दिन वो खुद मारे गए थे हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि प्रयोग बहुत ही कठिन है जो मैं करने वाला हूँ <coughs> तो मैं आपको बता रहा था अंग्रेजों के हिप्नोसिस पे अंग्रेजों का जो हिप्नोसिस होता है वो बिल्कुल ही जब तक व्यक्ति सामने ना बैठे वो नहीं कर सकते हैं उनके हिप्नोसिस का वशीकरण का मूलभूत सार होता है एन एल पी प्रोग्रामिंग क्या होता है न्यूरोिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एन एल पी में शब्दों पे जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों का चयन और उनको बोलने का तरीका ये दो चीज़ों को मिश्रित करके किसी के सामने रखा जाता है तो उसका दिमाग उस आवाज़ और उस ध्वनि जैसे कि हमारे पास मंत्र होता है मंत्र क्यों होता है क्योंकि मंत्र बोलने का तरीका मंत्र का सजावट आपके दिमाग को एक फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है तो उसी के माध्यम से अंग्रेज़ हिप्नोसिस में किसी के भी दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं ठीक है तो ये हो गई अपने हिप्नोसिस की बात तो आपने जैसा देखा हिप्नोसिस में वैसा होता नहीं है उसमें ऑफ कोर्स लोग बिना शरीर मतलब शरीर का अनुभव किए अगले का बोला हुआ कुछ काम कर सकते हैं लेकिन जब कोई वशीकरण मतलब हिप्नोसिस के वशीभूत होता है तो उसका ब्रेन ज़्यादा अलर्ट होता है आप उससे कोई गलत काम नहीं करवा सकते वशीकरण में ब्रेन अलर्ट नहीं हो पाता है इसका कारण ये है कि कुछ भी प्रत्यक्ष उसको नहीं दिखता है उसको यही लगता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे आसपास नॉर्मल और नेचुरल चल रहा है ब्रेन अलर्ट तब होता है जब कुछ भी अननेचुरल उसके आसपास हो तो आते हैं रावण पे अब रावण ने बहुत सारे शास्त्र दिए ठीक है रावण बहुत ही विद्वान था मतलब राम श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो पश्चाताप किया था रावण के मृत्यु का और ब्रह्म हत्या का भी विषय था खैर जो भी तो रावण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसको रावण संहिता समी, कहते हैं तो आजकल देखता हूँ मैं ऑनलाइन चलता है रावण संहिता ज्ञाता रावण संहिता कोई बहुत ही बड़ा आ, ऐसा चीज़ नहीं है कि आप और हम ना पढ़ सकें ना समझ सकें हाँ थोड़ा सा उसमें जो आ, उपाय दिया रहता है वो थोड़ा टेढ़ा रहता है जैसे कि साउथ इंडिया लंका में वो तंत्र लोग यूज़ करेंगे हमारे यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि देखो जैसे कि अगर उसमें एक वशीकरण का मैं रहा आता तो उसमें था कि गणपति की मूर्ति को अगले के पैर के धूल और अपने मलमूत्र से बनाए वो हम नॉर्थ इंडियन नहीं करेंगे ठीक है तो रावण जो था वो बड़ा तेजस्वी राजा था वो वशीकरण में इतना पावरफुल था कि जब हनुमान जी पहली बार उसके आ, महल में गए थे उसके सामने खड़े हुए थे तो कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी भी वशीकरण में आ गए थे तो आज मैं आपको उनका कुछ वशीकरण का उपाय बताऊंगा देखिए वशीकरण का हमेशा प्रयोग तब करना चाहिए जब पारिवारिक परेशानी हो ठीक है किसी लड़की को फंसाने के लिए किसी लड़के को फंसाने के लिए ये सब वशीकरण का प्रयोग गलत होता है क्योंकि वशीकरण कभी भी चालीस दिन से ज़्यादा नहीं चलता है कोई आपको कह दे कि मैं जीवन भर के लिए वशीकरण कर दूँ तो मैक्सिमम एक ही तंत्र जिससे ऐसा वशीकरण हो सकता है जिससे साढ़े सात साल तक कोई व्यक्ति आपके कंट्रोल में रहेगा सावा सात साल तक उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिससे कि आप किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रख सके ठीक है तो पहला जो वशीकरण का उपाय है बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आप एक दो गोमती चक्र ले लें ठीक है गोमती चक्र को अमावस्या की रात में अपने पास रखें ठीक उसमें जो भी व्यक्ति है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं जो भी आपके परिवार का व्यक्ति है या फिर जो आपको व्यापार में वृद्धि दे सकता है उसका नाम रख लिख लें दोनों गोमती चक्र में और अमावस्या के दिन जा करके आप उसको स्मशान में गाड़ दें इसको गाड़ने से ये होता है कि वो व्यक्ति क्योंकि आपने गाड़ा है उसका नाम और उसकी सोच लिख कर उसकी सोच में उसको जब बशमशान में आप गाड़ते हैं तो वो व्यक्ति आपसे मॉरली हमेशा डिमोरलाइज रहेगा ठीक है उसका लाभ आपको ये होगा कि वो आपकी बातों को मानेगा ठीक है तो ये प्रयोग उनके लिए होता है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर उन पर हावी हो रहे हैं या फिर उनके घर वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं जबकि वो सही हैं या उनको उनको कुछ हानि हो रहा है कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है इसी तरीके का एक दूसरा उपाय इसमें दिया हुआ है रावण संहिता में जिसके हिसाब से रोटी बनाएं आप शनिवार को और रोटी पर अमुक व्यक्ति का नाम लिख लें जिसको कि आप अपने वश में करना चाहते हैं या कि जिसको आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं इस रोटी को आप शनिवार के शाम में किसी काली कुतिया को खिला दें बस इतने करने मात्र से वो व्यक्ति आपके अधीन हो जाएगा लेकिन देखिए इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये चालीस दिन का ही उपाय होगा अगर उस बीच में आप अपनी शक्ति अपने इंटेलेक्ट से उस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए तो भाई जिम्मेदारी आपकी है तो एक रो मतलब एक रोटी लें उस पर अमुक व्यक्ति का नाम लिखें उसको मोड़ करके एक काली कुतिया को खिला दें ठीक है अच्छा मैं जो लिखने की बात कर रहा हूँ जनरली किसी भी तांत्रिक विधि में लाल कलम का उपयोग आप कर सकते हैं या फिर अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं या फिर केसर का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है कलम का प्रयोग जितना कम करें उतना बढ़िया बाकी चीज़ों का प्रयोग करें इसको बनाने के लिए इन सब उपायों के अलावा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो तांत्रिक का एक क्रिया है जिसमें कि आप अपने काक का बाल लें उसमें थोड़ा सा शरीर का मल मिलाएं उसमें थोड़ा सा वीर मिलाएं और उसको सुखा लें उसके बाद उसको जला करके भोजन के साथ दे तो वो अगला जो है आपके कंट्रोल में रहेगा ठीक है महिलाओं के लिए उल्टा होता है लेकिन ये क्रिया इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बाद में उतारा करना पड़ता है क्योंकि इस स्तर तक उसमें वशीकरण हो जाता है कि आपका जीना हराम हो जाएगा आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्रिया कर लो आप इससे अच्छा रहेगा लेकिन मेरी बात मानो ऐसा नहीं होता है ये बहुत ही खतरनाक क्रिया है हाँ लेकिन सर जन वशीकरण आए मतलब हर एक व्यक्ति मेरे वश में हो तो बहुत आजकल बनावटी मंत्र चलता है कि सर्वजन वशीकरणाएं नमः स्वाहा कुछ भी लोग आजकल ओम ह्रीम ओम फट लगा करके आपको मंत्र दे देंगे बोलेंगे कि एक हज़ार जाप कर लो भाई अब वशीकरण आपका हो जाएगा <coughs> वशीकरण ऐसे मतलब मजाक की चीज़ तो होती नहीं है हाँ लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके वश में रहे तो दो तीन बड़े अच्छे अच्छे टोटके हैं रावण संहिता में जैसे सफ़ेद आंकड़े का फूल ले लें ले आप उसको सफ़ेद गाय के दूध में मिलाएं और उसका तिलक करें रोज़ इससे क्या है कि जो भी आपको देखेगा सम्मोहित रहेगा दूसरा सफ़ेद ले दुर्वा लेने दुर्वा अक्षत दुर्वा जो होता है घास सफ़ेद लेने ठीक है उसको बकरी के दूध में मिलाए और उसके बाद उसका तिलक करें उससे भी सब लोग वशीकरण में होंगे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपका असर हो वशीकरण का तो बिलपत्र ले लें बेलपत्र जिसको कहते हैं उसमें बिजवाड़ा नींबू का रस मिलाए ठीक है, है और बकरी के दूध में इस मिश्रण को आप तिलक के रूप में प्रयोग करिएगा तो जो भी आपको देखेगा आपसे सम्मोहित रहेगा और कोई भी आपके बाहर नहीं जाएगा चाहे कितना भी बड़ा शत्रु आए आपके पीछे लग जाए लेकिन वो आपका अहित नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये चार पांच उपाय हैं वशीकरण और सम्मोहन के इनका प्रयोग बहुत ही सोच के करना चाहिए मैं खुद से इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करता हूँ मैं एक अष्टगंध का तिलक रखता हूँ ठीक है उससे क्या होता है मेरा एनर्जी सर्कल और सर्कल क्लियर रहता है तो कोई भी आता है तो उसे मुझसे नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है और वो मुझ मेरे सामने एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिना एग्रेसिव हुए बात कर सकता है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बाकी मेरा इंटेलेक्ट और मेरा अपनी शक्तियाँ काम करती हैं ठीक है आज के लिए इतना ही मैं अगले वीडियो में एक मैं एक छोटा सा मंत्र दूंगा गृहस्थों के लिए बंधन का उसमें क्या है कि उसमें आप बंधन आप बंधोगे भी और अगर आपके आप पे कोई पारिवारिक श्राप चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप ब्राह्मण हो तो उसमें आपको एक एज मिलेगा क्योंकि ये शास्त्रीय विधि है अभी के लिए इतना ही आप सभी को आदेश अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें रुद्रनाथ सर्च करें उसमें आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं एक आखिरी बात मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अला कर